एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं पालक का इतना टेस्टी सब्जी जो आप पनीर मटन सब खाना भूल जाएंगे, जो इतना ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए हम बनाने का प्रोसेस चालू करते हैं। तो नमस्ते एवरीवन, चलिए आज हम बनाते हैं पालक का सब्जी जो इतना टेस्टी है। तो जिसके लिए हमने 300 ग्राम पालक को धो के डंठल हटा के साइड में रख दिया, और इधर हम एक बाउल में एक कटोरी बेसन ले लिया। तो बेसन को पहले हम घोल बनाएंगे, गाढ़ा घोल, पतला घोल नहीं, गाढ़ा ही घोल। ऐसे घोल के इसको हम अच्छे से पहले घोल बना लेते हैं। तो ये देखिए, हम ऐसे ही आप घुमाते हुए चम्मच से, हाथ से भी कर सकते हैं, घोल एक बना लीजिए। तो देखिए हमने घोल बना लिया, और इधर हम अपना पालक को चलिए कट कर लेते हैं। बारीक बारीक इसे कट कर लीजिए। तो हमने कट करके साइड में रखते हैं। चलिए इसमें हम अपना मसाला ऐड करते हैं, जिसमें हमने मिर्ची, लहसुन और अदरक को, तीनों चीज़ को हम बारीक बारीक चॉप करके और तीनों चीज़ मिला के एक चम्मच हम भर के डाल दिए। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए, और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, देखिए एक पिंच के करीब है, छोटी ही एकदम बारीक वाला चम्मच है ना, उससे एक चम्मच होएगा मिर्ची, और मिर्ची पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च है, यह तीखा नहीं रहता है। इसी के साथ हम इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर। तो इसमें आप अलग से सब्जी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, लेकिन आप पालक का बनाइए बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए इसमें हम हल्दी पाउडर भी मिक्स कर दिए, और इसे पहले हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए हो गया। तो चलिए इसमें हम अपना सारा पालक ऐड कर देते हैं। तो देखिए ऐसे डाल के अभी आप इसे चम्मच निकाल दीजिए, और हाथ से इसे अच्छे से मसल लीजिए। ऐसे पालक को थोड़ा सा मसलेंगे ना, तो ये अपने आप सॉफ्ट होके वो अच्छे से बेसन में घोल में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमने अच्छे से गाढ़ा ही रखा था पालक को, सॉरी बेसन को। तो इसे हम ढक के एक प्लेट लेके, और उसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस करके, और इसमें हम सारा बैटर को फैला देते हैं। इसी तरीके से हम सभी बैटर को फैला देते हैं, और थोड़ा थोड़ा प्लेट को ऐसे पटकने से चारों तरफ अच्छे से हो जाएगा। इधर हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो देखिए हमारा पानी अच्छे से बॉयल हो गया। तो चलिए इसे हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। हम इसे 5 मिनट स्टीम करेंगे, जिससे ये हमारा अच्छे से स्टीम हो जाए। तो देखिए हमारा अच्छे से स्टीम हो गया। ऊपर से हमने थोड़ा सा तिल भी स्प्रेड कर दिए थे, तो आप चाहे तो डाल सकते, नहीं तो नहीं डाल सकते, वो कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ डालना ही है। तो चलिए उसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रखते हैं। इधर हम गैस ऑन करके एक पैन रख लिए हैं, आप कढ़ाई पैन जिसमें चाहे बना सकते हैं इसका सब्जी बनाने के लिए। तो उसमें हमने 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया, थोड़ी सी जीरा, और एक तेज पत्ता को हमने तोड़ के डाल दिया है। तो इसे थोड़ा सा हम जीरा को चटकने देते हैं। जब हमारा जीरा ये हो जाएगा, उसके बाद हम एक मीडियम साइज कप ऑनियन को देखिए बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और हाई फ्लेम पे हम इसे पहले भून लेते हैं चलाते हुए, नहीं तो हमारा प्याज जो है जल जाए, पानी छोड़ देगा। तो इसे आप हाई फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट ब्राउन होने तक भून लीजिए। इसी में हम लहसुन और अदरक को चॉप करके रखा था, वो भी इसमें हम ऐड कर दें। इसी के साथ देखिए हम एक टमाटर को भी बारीक बारीक कट किए थे, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं, और इसे भी हम मिला लेते हैं अच्छे से। अभी टमाटर डाला, इसके साथ हम स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। नमक हम पालक में भी डाले थे, तो वो भी ध्यान रखिए आप, इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम ही इसमें नमक रखिए, क्योंकि पालक भी थोड़ा सा नमकीन रहता है ना इसके लिए। तो देखिए हमारा अच्छे से टमाटर भी मेल्ट हो गया, और तेल भी छूट चुका है। तो चलिए इसमें अपना ड्राई मसाला डालते हैं, जिसके लिए हमने लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी, और थोड़े से हमने जीरा पाउडर, और गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम गैस स्लो करके मसाला को अच्छे से भून लेते हैं पहले, जब तक तेल ये छोड़ ना दे। तो देखिए हम मसाला को कितने अच्छे चलाते हुए झटपट से भून लिए। तो आप इसे रोकिए नहीं तो ये जल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा भून चुका है। तो इसमें हम 1 चम्मच पानी और ऐड कर देते हैं, और इसे पहले अच्छे से हम मिला लेते हैं। ऐसे ही आप अच्छे से इसे मिला लीजिए, और इसे ढक के थोड़ा टाइम पकने दीजिए, जिससे हमारा मसाला जो है ना अच्छे से मेल्ट भी हो जाए, और अच्छे से ये तेल छोड़ दे। तो देखिए कितना अच्छा सारा मसाला अपना तेल छोड़ दिया है। तो इसे हम पहले मिला लेते हैं, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी ऐड कीजिए। आप इसमें ग्रेवी जितना चाहे वो ऐड कर सकते हैं।
तो इसे डालने के बाद ऐसे मिला लीजिए अच्छे से और इसे ढक के बॉईल होने दीजिए। और इधर हम अपना देखते हैं, हमारा पालक जो है ठंडा हो चुका है, तो इसे हम चाकू से ऐसे साइड साइड से हटा के और इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से ठंडा करके उसके बाद इसे चाकू से साइड साइड से कट करके और इसे हम एक क्यूब के में कट करेंगे। तो देखिए हम ऐसे ही कट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे बड़ा छोटा जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं। आप इसे छोटा छोटा एकदम पनीर के शेप में भी कट कर सकते हैं, बड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो हमने बड़ा बड़ा ही पीस कट कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से, ये थोड़ा भी नहीं लग रहा है और कितना अच्छे से हमारा कट हो गया। हम साइड साइड से इसे निकाल लिए, देखिए कितना अच्छा। आप इसे ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, ऐसे भी खाएंगे तेल में फ्राई करके, डीप फ्राई या स्लो फ्राई करके। तो हमारा ग्रेवी बॉईल हो चुका है। तो चलिए इसमें हम अपना पालक का क्यूब जो कट करके इसमें मिक्स कर देते हैं और हल्के हाथ से इसे मिला लेते हैं, पालक का कटा हुआ डाल देते हैं। तो आप चाहे तो इसमें से थोड़ा रख भी सकते हैं बाकी बाद में फ्राई करने के लिए। और इसे हल्का हाथ से मिला लीजिए और इसे ढक के 1 से 1.5 मिनट और कुक होने दीजिए और उसके बाद हमारा गर्मा गर्म बन के रेडी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारा हो चुका है, तो हमने धनिया पत्ता गर्म मसाला डाल के गार्निश किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू सो मच।